ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सो नमस्ते फ्रेंड्स एंड कैसे काय मुंबईकर्स, आज है 4th ऑफ अगस्त एंड आज से मतलब आगमन तो शुरू हो चुके हैं गणपति बप्पा के मुंबई में। जो पहला हुआ था वो था कोल्हापुर सा राजा, बट आज से एकदम मतलब हर संडे अब आगमन ही आगमन आपको देखने मिलेगा। एंड आज है पहला संडे गणेश उत्सव का। सो आज हमें चार मूर्तियाँ देखने मिलने वाली है। आज चार मूर्तियों का आगमन सोल है। चारों मूर्तियाँ अलग अलग वर्कशॉप से, एक परेल से, एक स्टूडियो विजय आर खातू एंड एक कामड़ी आर्ट संतोष कामड़ी सर के वर्कशॉप से एंड एक राजन सर सर के वर्कशॉप से। सो ये चारों मूर्तियाँ निकल रही है सूरत के लिए। सो हम ट्राई करेंगे कि चारों में से मिनिमम तीन या कवर कर पाए, या फिर चार मिले तो चारों कवर कर लेंगे आपके लिए। सो चलिए फटाफट चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं एंड पूरा आगमन कैसा क्या होता है, बहुत सारे इवेंट्स अच्छे अच्छे होंगे एंड फिर ढोल ताशा पता क्या बहुत कुछ है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे गणेश उत्सव आगमन वाले मोड कौन। सो चलो चलते हैं। एंड अब फ्रेंड्स, आज है पहला संडे। सो आज से फिर गणेश उत्सव तक जितने भी हमें संडे मिलेंगे वो सारे संडेज में हमें बहुत सारे आगमन देखने मिलने वाले हैं। ये है पहला संडे समझ लो, एंड फिर अभी इसके बाद गणपति बापा के दर्शन होते ही रहेंगे हमें। सो बने रहना हमारे चैनल पर एंड सब्सक्राइब कर देना याद से। सो आपको भी हम अच्छे से दर्शन कराने के ट्राई करेंगे, वही है। सो चलो चलते अभी परेड वर्कशॉप की तरफ। सो चलो चलते। और फ्रेंड्स, ये जो मूर्ति है वो है सूरत की, मतलब सूरत कुछ मंडल का नाम है मल्लारी गणेश उत्सव, मल्लारी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ऐसा कुछ है। एंड यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं फिलहाल परेड वर्कशॉप के यहाँ, एंड क्राउड भी अच्छा खासा आया है यहाँ पर आज। और कल जो आगमन हुआ था कोल्हापुर सा राजा का, वो इतना बैंड के साथ या कुछ नहीं था, बट आज जो ये आगमन है वो पूरे जल्लोश के साथ होने वाला है। सो वही है एंड आपको सिनेमेटिक थोड़े शॉर्ट्स दिखाऊंगा। सो बने रहना एंड एंजॉय करना। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी यहाँ पर भीड़ अभी फिलहाल जमा है, मूर्तियाँ भी निकली नहीं है एंड पूरा क्राउड हो चुका है। एंड इसी बीच हमें मिले हमारे छोटे से सब्सक्राइबर। आपका नाम, एक मिनट, विवियन। ओके, सो विवियन ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। सो थैंक यू सो मच विवियन। आप कुछ कहना चाहोगे हमारे लिए कि और कुछ ऐड करूं, आपको क्या देखना है हमारे चैनल पर? और गणपति के वीडियोस ऐसे ही बनाते रहना। सो थैंक यू सो मच विवियन।
सो फ्रेंड्स, ये था मल्हारी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की मूर्ति, मल्हारी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की मूर्ति ये थी। एंड मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले बट उन सबको इंक्लूड नहीं कर पा रहा था। एंड इतनी गर्दी थी ना, ये पहला आगमन था, अनएक्सपेक्टेड था इतनी गर्दी रहेगी। इतनी गर्दी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी गर्दी होगी, इतनी पब्लिक आएगा, इतना क्राउड, क्योंकि सूरत के मंडल से तो वैसे लगा था। बट एंडिंग में बहुत क्राउड हो गया, बहुत रश हो गया। एंड फिर मूर्ति निकली तो थोड़ा जो फ्रस्ट्रेशन था वो सारा निकला, वरना मूर्ति टाइमिंग दिया था 12 बजे का, बट अभी 4 से ऊपर हो गए और अब भी मूर्ति निकला। सो ये ओवरऑल था। अभी जा रहे हम स्टूडियो विजय खातू के यहाँ, क्योंकि वहाँ से भी एक मूर्ति निकल रही है, सूरत सा विघ्नराज में भी, हाँ विघ्नराज या विघ्नेश्वर, विघ्नराज है शायद। सो वो मूर्ति कवर करने जा रहे हैं एंड ट्राई करेंगे। अभी एक हो गई, 4 मूर्तियाँ हैं, सो अभी बचे 3। सो 3 में से हमें कितनी मिलती है वो हम देखते हैं आगे जाके। सो बने रहना एंड चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें हमारे कॉन्टेस्ट के पहले क्वेश्चन में आपका ढेर सारा प्यार मिला, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो जैसा हमने कहा था कि कॉन्टेस्ट होगा 3 इजी क्वेश्चंस का, सो आज के इस वीडियो में ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन ये है कि आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, सो ये पापा को हम किस नाम से जानते हैं। सो ये रहा आपके लिए 10 सेकंड का पॉज, जल्दी से जाओ एंड कमेंट सेक्शन पूरा भर दो। पंद्रह अगस्त को क्या है भाई? 15 अगस्त मतलब ये क्या रखा है? लाल बकर्स को सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? आओ 15 अगस्त को लाल बकर को पता चल जाएगा। ओके सो जैसे भाई ने बताया 15 अगस्त को लाल बकर के लिए सस्पेंस है, लालबाग में आओ। सो उसने वैसा कुछ बताया बट मैं आपको बता देता हूँ, 15 अगस्त को है धारावीचा सुखकर्ता का आगमन सोहरा, तो वो भी हम कवर करेंगे एंड बने रहना हमारे चैनल पर। एंड वो दिन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने कवर किया था एंड वो वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। एंड हर साल रहेगा धारावीचा सुखकर्ता का, हम लोग हर साल कवर करेंगे। सो बने रहना एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल पर। अभी चलते आगे। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर 3 मूर्तियाँ हमें दिख रही है, एक स्टूडियो विजयार खातू से निकली, राजन सर के वर्कशॉप से एंड एक संतोष कामड़े सर के वर्कशॉप से। आपको एक मिनट दिखा दूं, यहाँ पर दूर है तो चलिए आपको दिखाते हैं एंड दर्शन कराते हैं। सो चलो चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। मेरे पीछे आप देख सकते हो पर अभी भी चल ही रहा आगमन, एंड उनका भी फिर यहाँ पर वादन करेंगे, फिर मूर्ति ढककर लेके जाएंगे सूरत। तो सूरत वालों रेडी है ना, आपके पप्पा आ रहे हैं एंड भव्य आगमन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से चार मूर्ति निकली है सूरत के लिए एक साथ। एंड एक बात जो अच्छी लगी ना, कि जो उन्होंने तीनों मूर्ति एक साथ खड़ी रखी थी, पहले तो मैंने मतलब छोड़ दिया था, मैंने पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पर, सो मूर्तियां निकल गई थी, तो मुझे लगा वहां से निकल गई होगी, बट वहां पर उन्होंने जो किया मतलब एक साथ तीनों मूर्ति खड़ी रखी, बहुत अच्छी बात थी। मुझे शूट करने मिल गया, अच्छे से आपको दिखाने मिल गया, एंड जो भी यहाँ पर क्राउड आया था यहाँ पर, सबको चारों मूर्तियां देखने मिली एकदम अच्छी तरीके से। सो यही था, और ये भी था कि जो तीनों मूर्ति थी ना, वो तीनों नहीं सॉरी चारों जो मूर्ति थी, वो चारों हर एक जो वर्कशॉप से निकली थी चारों मूर्तियां, वो एक एक जो एकदम ग्रेट आर्टिस्ट है ऑफ दिस फील्ड, ये फील्ड में जो ग्रेट आर्टिस्ट है, अच्छे अच्छे कलाकार है, उनके चारों मूर्तियां उनके वर्कशॉप से निकली थी, जो कि थे संतोष कांबळी सर, जो लालबाग सर राजा बनाते हैं, उनके वर्कशॉप से एक मूर्ति निकली, एंड एक मूर्ति जो निकली थी वो स्टूडियो विजय आर खातू से, एंड फिर जो और एक थी वो थी सिद्धेश दिगोले सर के वर्कशॉप से, एंड फिर थी राजन झाड़ सर के वर्कशॉप से, जो राजा तेजू का ऐसा बनाते। सो चारों मूर्तियां जो निकली वो चारों एकदम लेजेंडरी आर्टिस्ट के वर्कशॉप से निकली, वैसा हम बोल सकते हैं। सो बहुत मजा आया, एंड ये सूरत वालों ने मतलब एक माहौल क्रिएट कर दिया यहाँ पर महा आगमन का। सो बहुत मजा आया, एंड यही था, और मैंने अच्छे से अच्छा ट्राई किया आप तक पहुँचाने के लिए। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी इसके बाद हर एक संडे महा आगमन होने वाले, सो उस हिसाब से मैं कवर करते रहूँगा आपके लिए। सो बने रहना हमारे चैनल पर, एंड पसंद आया तो लाइक कर देना, मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड गणपति बप्पा मोरिया।